और मैं ये सोच रही हूँ कि वापसी की फ्लाइट कब मिलेगी, मैं कैसे पाकिस्तान पहुंचूंगी, मेरे पास कितने डॉलर्स हैं और मैं कैसे जा सकती हूँ। देन मैंने कहा मैं क्या करूँ, मुझे बस इंग्लिश आती थी। मैंने कहा टमाटर हांडी पकानी है, टमाटर। वो क्या यही टमाटर है? मैं कहूँ नहीं, तो जुबानी फल है, वो इतना बड़ा टमाटर था। खैर एनीवेज वहाँ अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, उम्मीद हूँ सब ठीक होंगे। आज की वीडियो मोस्ट अवेटेड वीडियो है, क्योंकि मुझसे सब पूछ रहे थे कि अपने स्टडी का जर्नी बताएं, कि आपने कैसे बाहर अप्लाई किया, आपको एडमिशन कैसे मिला, क्या सारा जर्नी था, और तुर्की ही क्यों चूज़ किया, बाकी मुल्क जैसे यूके, यूएस, कनाडा वो क्यों नहीं चुने। बात करते हैं शुरू से। ये बात है 2019 की। बिल्कुल सब सही जा रहा था, मैं जॉब कर रही थी, अच्छा कमा रही थी, अच्छा खा रही थी, पाकिस्तान में होती थी, शॉपिंग करती थी, खाती पीती सोती थी, पेरेंट्स के साथ रहती थी, लाइफ वॉज रियली गुड। लेकिन मैं जस्ट फेड अप हो गई कि मैंने कहा नहीं यार चलो कुछ करते हैं। मैंने बैचलर्स किया हुआ था, तो मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना शुरू किया। और एजेंट का जो हमारे में कॉन्सेप्ट है ना, वो ये कहते हैं कि नहीं एजेंट के पास नहीं जाना, पैसे खा लेते हैं, ब्ला 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 ब्ला। मैंने खुद ही ऑनलाइन अप्लाई करना शुरू कर दिया। तब मुझे मालूम नहीं था, सच बताऊँ यूएसए, यूके, कनाडा ये दूसरे मुल्क मेरी लिस्ट में कभी थे ही नहीं। मैंने अप्लाई करना शुरू किया, तो सबसे पहले जब मैं स्टडी अब्रॉड के मैं देख रही थी, तो मेरे सामने टर्की आया। मैंने टर्की में अप्लाई किया, काफ़ी 4-5-6 यूनिवर्सिटी में लेट से, तो मुझे एक्सेप्टेंस आ गई इस्तंबुल से। और अनकरा तो कहीं था भी नहीं, जब हम लोग तुर्की सोचते हैं तो हम कहते हैं इस्तंबुल खूबसूरत है, और कैपिटल भी हम इस्तंबुल को ही समझते हैं। लेट मी क्लियर दिस वन एज वेल कि कैपिटल जो है तुर्की का वो अनकरा। खैर मैंने जब अप्लाई किया, और मुझे अच्छी तरह याद है मैं तब हॉस्पिटल में जॉब करती थी, और मैंने अपने कलीग से डिस्कस किया। मैंने कहा मतलब इस तरह मेरा एडमिशन हो गया है, दो यूनिवर्सिटीज़ मेरी लिस्ट में है, मैं किसको चूज़ करूँ। और जब मैंने बताया कि एक इस्तंबुल है, एक अनकरा है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे तुम्हारी रूटीन ऑलरेडी बहुत बिजी है, तुम बहुत लोगों से मिलती हो, तो सेम चीज़ इस्तंबुल है, वेरी रशी, वेरी बिजी सिटी, बेटर टू चूज़ अ मदर सिटी जो काम हो, जहाँ पे ज़्यादा लोग ना हो, तो आई चूज़ अनकरा। देन अनकरा मैंने चूज़ कर लिया, मैंने एडमिशन वहाँ पे अपना कंफर्म कर दिया। और तब तक मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं अनकरा क्यों चूज़ कर रही हूँ, अनकरा में कैसे सर्वाइव करूँगी, ज़ुबान आनी चाहिए, वहाँ पे ज़ुबान के बगैर नहीं जाना चाहिए, बहुत सी चीज़ें थी जो मुझे बिल्कुल नहीं पता थी, क्योंकि कोई गाइडेंस नहीं थी। खुद ही अप्लाई किया, खुद ही एडमिशन हो गया। फिर क्या हुआ, फिर ऐसा हुआ कि जब मेरा एडमिशन हो गया और मैंने खुद ही अपना वीज़ा सबमिट करने दे दिया, कोई मेरे साथ नहीं गया, और जब पासपोर्ट मुझे वापस मिला और मैं घर आई रात को, और मैंने अपने पापा को बताया, और मैंने पासपोर्ट उनके हाथ में लिया, और उन्होंने पासपोर्ट हाथ में लिया, ही वाज क्राइंग। उनका मतलब कैसे लड़की अकेली चली जाएगी, कैसे रहोगी, ये वो ब्ला 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 ब्ला। खैर मैंने कहा डोंट वरी, आई विल मैनेज। मेरा कुछ अपनी यूनिवर्सिटी के सीनियर्स के साथ रब्ता हुआ, और मैंने उनके साथ रब्ता किया, और उन्होंने कहा ठीक है हम आपको गाइड कर देंगे घर वगैरह ढूंढने के हवाले से भी। एक मेरे सीनियर थे, वो मुझे लेने भी आए। खैर जैसे मेरा वीज़ा आया, उससे 4-5 दिन के बाद कि मैंने अपनी फ़्लाइट ले ली, कतर एयरवेज से मैं आई थी फर्स्ट टाइम। पहले मैंने आना था दोहा, कतर, वहाँ पर मेरा स्टे था 3-4 घंटे का, और फिर वहाँ से मैंने आना था अनकरा। अब यूँ हुआ, जैसे ही मैं कतर एयरपोर्ट पे पहुंची, और वहाँ पे इंटरनेट नहीं था, उस दिन उनका इंटरनेट डाउन था, और मैं वहाँ पे पहुंची जैसे ही, और 4 घंटे का स्टे था, मैं सो गई। इतना मैं थकी हुई थी कि मैं सो गई, क्योंकि पहली फ़्लाइट में तो मैं रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं क्यों जा रही हूँ। उसके बाद जैसे मैं कतर पहुंची, मैं सो गई, और मैंने अलार्म लगा लिया कि 4 घंटे बाद मैं उठूंगी और मैं जहाज़ में बैठ जाऊंगी, अनकरा चली जाऊंगी। मीनवाइल मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं आया कि मुझे पाकिस्तान किसी तरह कॉन्टैक्ट करके बता देना चाहिए, मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। खैर एनीवेज वहाँ से मैंने नेक्स्ट फ़्लाइट ली, मैं अनकरा पहुँची। 5 घंटे की, शायद 4 घंटे की फ़्लाइट थी दोहा से अनकरा। जैसे ही मैं अनकरा पहुँची, मैंने अपना सामान वगैरह लिया, चीज़ें वगैरह क्लियर की, मुझे नहीं पता था बहुत सी चीज़ों का, मुझे नहीं पता था जब वहाँ पहुँच के पता चला। वहाँ से मैं बाहर निकली, तो मेरे एक सीनियर मुझे लेने आने वाले थे, मैं बाहर निकली तो वो मुझे लेने नहीं आ रहे थे। अब मेरा दिमाग चेक करने में वहाँ ये नहीं सोच रही कि मैंने वापिस मतलब आगे घर कैसे जाने, अनकरा कैसे जाने, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था मैंने कहाँ जाना है, वो सारा कुछ मेरे सीनियर के पास था। और मैं ये सोच रही हूँ कि वापसी की फ़्लाइट कब मिलेगी, मैं कैसे पाकिस्तान पहुँचूंगी, मेरे पास कितने डॉलर्स हैं और मैं कैसे जा सकती हूँ। देन मैंने कहा मैं क्या करूँ, वहीं पर कुछ लोग खड़े थे, मैंने कहा कि मुझे अपने दोस्त को कॉल करनी है, उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया, मैंने उनको कॉल की, और मैंने कहा तुम आए क्यों नहीं मुझे अभी तक लेने, उसने कहा मैं आ रहा हूँ बस थोड़ी लेट है। मैंने कहा व्हाट बस, क्योंकि पाकिस्तान में तो गाड़ियाँ शाड़ियाँ माहौल शहौल होता है, कहता हाँ और क्या। तो खैर वो जैसे ही आया, ये मेरे लिए पहला धचका था कि कोई आपको लेने आ रहा है बस में,
नो टैक्सी नो गाड़ी। और जैसे वो मतलब आए मेरे पास एयरपोर्ट, और उन्होंने मेरा सामान पकड़ा, उन्होंने कहा चलो सर रखो ये सामान बस में। मैंने कहा क्या? कहते हाँ हम बस में जाएंगे ना, सिटी दूर है। और मैंने कहा टैक्सी वैक्सी? और उसने मुझे देखा, कहता हम स्टूडेंट हैं, हम टैक्सी अफोर्ड नहीं कर सकते। खैर बस में बैठे और हम लोग, मैंने उसे कहा कि मेरे घर वालों को इन्फॉर्म कर दो, उसका नंबर लेके मैंने घर वालों को इन्फॉर्म किया। मीन वाइल इस सारे टाइम में मेरे घर वाले कभी कतर एयरपोर्ट कॉल कर रहे थे, कभी अनकरा एयरपोर्ट कॉल कर रहे थे कि फ़्लाइट है फ़्लाइट है, और उनके पास फ़्लाइट नंबर भी नहीं था, और वो उनको कह रहे थे कि अभी फ़्लाइट लैंड नहीं हुई है, होगी तो आपको पता चल जाएगा। मीन वाइल तब उन लोगों का ये भी नहीं पता था कि वो ऑनलाइन फ़्लाइट भी ट्रैक कर सकते हैं। खैर मैं घर पहुंची, जैसे ही मेरे दोस्त ने वहाँ पे मतलब जो मेरे सीनियर थे उन्होंने मुझे घर छोड़ा, और उन्होंने कहा ये तुम्हारा घर है, यहाँ तुमने रहना है, कुछ खाना पीना है खा पी लो और सो जाओ। मेरा घर पहाड़ों में था, अंकरा सारा पहाड़ों में बना हुआ है। और मैं जैसे ही अपने रूम में गई, मैंने पर्दा हटाया तो मेरे पीछे देखा पहाड़, मतलब आधा कटा हुआ पहाड़ है। तब मुझे फील हुआ अल्लाह पाक मैं कहाँ आ गई हूँ, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। और फिर मैं सो गई, मैं थकी बहुत हुई थी। सुबह 4 साढ़े 4 बजे मेरी आँख खुली और मैंने अपने बाबा को कॉल की कि बाबा मैं पहुँच गई हूँ, ठीक हूँ, एंड ही वॉज क्राइंग। मुझे कहते हैं कि पोते हूँ तू ख्याल रखना है, तू बहुत दूर चले गई है। मैंने कहा मैं तो ठीक हूँ, आप रो रहे हैं। कहते दिल बड़ा कर। मैंने कहा आप दिल बड़ा करें। तो खैर दैट वॉज माई फर्स्ट डे इन टर्की। फिर मैंने कहा कुछ पकाया जाए, कुछ खाया जाए। जैसे ही मैं बाहर निकली, मैंने कहा मैं कुछ लेकर लेने जाती हूँ, मैंने कहा कुछ खरीद लाती हूँ। मैं ऊपर गई तो ऊपर एक शॉप थी, मेरा घर बिल्कुल सिटी सेंटर में था। जैसे ही मैं ऊपर गई तो मैंने टमाटर खरीदने थे, मैंने कहा चिकन बनाती हूँ। टमाटर खरीदने गई तो उनको मैंने कहा कि मुझे टमाटर चाहिए। अब वहाँ पे जो टमाटर थे वो बड़े बड़े पड़े हुए थे, मुझे लगा ये चिपानी फल पड़ा हुआ है। मैं उसको समझाऊं कि मुझे टमाटर चाहिए, वो कहे यही टमाटर है। अब ये देखें जुबान नहीं आ रही थी, वो इंग्लिश समझते नहीं थे, उनको सिर्फ टर्किश आती थी और मुझे बस इंग्लिश आती थी। मैंने कहा टमाटर हांडी पकानी है टमाटर, वो कहे यही टमाटर है। मैं कहूँ नहीं ये तो जुबानी फल है, वो इतना बड़ा टमाटर था। खैर एनीवेज वहाँ पे कोई एक गुजर रहा था, उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, उसने कहा इसको दुमातेज बोलते हैं, यही टमाटर है। खैर वो टमाटर लेके घर आई, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। उसके बाद मुझे मेरे क्लास फेलोज मिल गए और मेरी यूनिवर्सिटीज़ में जो था वो हो गया, रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गई। बड़ा स्मूथ सा प्रोसेस था सारा, ऑनलाइन अप्लाई किया, ऑनलाइन फ़ीस सबमिट हुई, आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, आप अच्छी जो है वो लिखें, अगर अपना कवर लेटर अच्छा लिखें तो अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाती है आपको। मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हुआ क्योंकि मुझे ज़ुबान नहीं आती थी। अगर आप किसी ऐसे मुल्क जा रहे हैं जिसकी ज़ुबान कोई और है तो ज़ुबान ज़रूर सीख के जाएँ। अगर मैं और बातें करती रही तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, एक और वीडियो इस पर बना लेंगे, ठीक है? अगर कुछ और भी आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, मैं आपको एक और वीडियो में बता दूंगी। ठीक हो गया।